जय हिंद दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एसएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो कि 6 नवंबर 2020 को जारी हो चुकी है। जस्ट ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों, तो आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी तरह बात करेंगे और बात करेंगे कि ये जो एग्जाम होने वाला है वो आपके 10+2 लेवल पे जो होने वाला है, इसके पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको एसएससी में इंटरेस्ट है और आप एसएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके लिए वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2020, जी हाँ दोस्तों, ये रिलीज़ हो चुका है ssc.nic.in पे, जिसका एग्जामिनेशन होगा अप्रैल में अगले साल 2021 में। तो हम इसकी डिटेल्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ये जो एसएससी 2020 की नोटिफिकेशन आई है, इसका लास्ट डेट होगा जो आपका दिसंबर 15 होगा दोस्तों। तो दिसंबर 15 से पहले आपको फॉर्म भरना होगा, और इसमें जो आपके पोस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के, जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट के, और फिर पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए के, और फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट के, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के। तो आपको फॉर्म भरना होगा दिसंबर 15 से पहले। और बात कर लेते हैं दोस्तों, पे स्केल जो आपकी होने वाली है वो एलडीसी के लिए होने वाली है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसके लिए होने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 तक। और पोस्टल असिस्टेंट की बात करें तो इसकी पे स्केल जो होने वाली है आपकी 25,500 से 81,100 रुपये। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो सैलरी होने वाली है 25,500 से 21,100 रुपये होने वाली है लेवल 4 के लिए। और लेवल 5 की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक होने वाली है। और दोस्तों, अगर बात करें हम डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप ए के लिए, तो इसका लेवल 4 का जो होने वाला है वो 25,500 से 81,100 तक होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, तो जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है उसका डेट होने वाला है 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, जैसा कि हमने आपको बताया है। और आपको रिसिप्ट मिल जाएगी दिसंबर 15 तक। दोस्तों, अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो एलडीसी, जेएसए और पीए एंड एसए और डीईओ के लिए जो आपका होने वाला है वो 12th पास आप होनी चाहिए सिर्फ, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और उसके बाद अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो इसके लिए जो आपका होने वाला है ये 12th क्लास पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, आपका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो ये सबके लिए सेम होगा, जो कि 100 रुपीज़ होने वाला है। और एप्लीकेशन फ़ी की रिलैक्सेशन की बात करें, तो जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, एससी कैंडिडेट्स हैं और पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये फ़ी फ्री होने वाली है। और फिर दोस्तों, अगर बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा फर्स्ट टायर का, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका टायर 2 होगा सेकेंड पेपर, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है टायर 3 में। और आपकी एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर 27 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए। तो एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर टायर 1, जो आपका टायर 1 होने वाला है अप्रैल में, उसकी बात करें तो आपके 4 सेक्शन होंगे पेपर में, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस होगा। वो ईच सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 50 मार्क्स, और आपके पास टाइम जो होने वाला है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे होने वाला है। और रॉन्ग आंसर के लिए आपका जो कट होंगे वो होंगे 0.5 मार्क्स। और आपका टायर 2 की बात करें पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, आपको लिखना पड़ेगा उसमें, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और वो ऑनलाइन ही वो ऑफलाइन होने वाला है, पेन पेपर टेस्ट होने वाला है। और आपको उसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 1 आवर मिलेगा। और दोस्तों, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो होगा 33%। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी एसएससी सीएचएसएल 2020 नोटिफिकेशन के ऊपर। और आपको एडमिट कार्ड की जहां बात है, तो आपको वो मिल जाएगी ssc.nic.in पे। हम आपको दिखा देते हैं, ये नोटिफिकेशन आई है एसएससी से, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जो कि 6 नवंबर 2020 को रिलीज हुई है एसएससी द्वारा ये नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी। इस अगर आपको कोई और क्वेरी हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चल सके इस नोटिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं कोई भी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।